तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये आ चुके हैं कि टिकटॉक पर फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं और जेन्युइन फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर इससे पहले आपने कोई वीडियो देख रखी है या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई ऐसा एप्लीकेशन मिल जाए जिससे आप ऑटो फॉलोवर्स बढ़ा सकते हो, तो मैं आपको बता दूँ, भले ही उससे ऑटो फॉलोवर्स आपके बढ़ जाएँ, भले ही आपके लाइक्स बढ़ जाएँ, भले ही आपके शेयर बढ़ जाएँ, भले ही आपके वीडियोज़ पर कॉमेंट आने लग जाएँ, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान है आपके अकाउंट को। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मुझे हार्डवर्क पर ज़्यादा मेहनत और यकीन आता है, तो ऐसे भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है कि आप लोग कहाँ गलतियाँ करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं छोटी सी वीडियो में आपको अपनी ही दिखाने जा रहा हूँ, जिससे लगभग अभी कुछ टाइम पहले वो अच्छी खासी वायरल हुई है, जिस पर अभी तक 4,000 लाइक्स आ चुके हैं और जो व्यूज़ आ चुके हैं वो 50,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ टच कर चुकी है। तो ऐसी वीडियो में करना क्या होता है आप लोगों को, देखो टैग जितने भी डाल सकते हो आप टैग डालते हो, लेकिन ज्यादा टैग भी डालना यहाँ पर खतरा होता है। जी हाँ दोस्तों, खतरा क्यों होता है, क्योंकि हर चीज़ एक लिमिटेड के दायरे में हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जहाँ पर आप टैग्स एक एक चीज़ एक एक वीडियो में अगर आप 10 टैग डाल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो 10 टैग सर्चेबल हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि उन 10 टैगों से ही आपकी वीडियो वायरल हो। जो भी वीडियो, ऐसी एक काम करिए, टिकटॉक को ओपन करिए और ओपन करने के बाद फोरियो में जाके देखिए कि जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आते हैं, अगर 1,00,000 2,00,000 लाइक्स हैं, मिलियंस लाइक्स हैं, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन भी देखिए कि उसने टैग्स कितने अच्छे अच्छे डाले हैं। बहुत सी वीडियोज़ मैंने ऐसी भी देखी हैं जिस पर एक भी टैग नज़र नहीं आता, उसके बाद भी वो 2-2, 3-3 लाख लाइक ले जाती है। तो सोचो जब 2-3 लाख लाइक ले जा रही है तो उस पर ऑलमोस्ट व्यूज़ कितने होंगे, तो ऑलमोस्ट व्यूज़ मिलियंस में होंगे उसमें। तो ऐसे ही यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है कि टैग्स क्या डालो, इम्पॉर्टेंट ये है कि कंटेंट अब आप क्या डालो। तो टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स, व्यूज़, लाइक्स एक ही चीज़ से बढ़ सकते हैं, जब आप अपने टैलेंट को इनडोर से आउटडोर करना शुरू कर दोगे। अब ये इंडोर आउटडोर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा फंडा क्या है इसका। तो वो ये है कि इंडोर जो होता है, जो आप घर के अंदर वीडियो बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे पीछे पर्दा लगा और यहाँ पे मैं एक्टिंग करके कोई वीडियो बना देता हूँ, तो ये हो जाता है मेरा इंडोर। अब यहाँ पर इंडोर में दिक्कत क्या होती है, देखो इंडोर में क्या होता है कि आपके एक्सप्रेशन दिखते हैं, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिख जाती है, बट यहाँ पर टिकटॉक ज़्यादा एक्टिविटीज़ ज़्यादा इम्प्लीमेंट जब समझता है जब आप आउटडोर उसी एक्ट को दिखाओ। अब आउटडोर क्या है, जैसे आप कहीं बाहर जाओ और बाहर जाके पब्लिक प्लेस एरिया जहाँ पर पब्लिक होती है, जहाँ थोड़े आपके फ्रेंड सर्कल भी आप ले सकते हो, तो जब बाहर जाके आप वीडियो बनाओगे वहाँ के जो एक्सप्रेशंस होंगे, तब पता लगता है कि आप एक्चुअल में किस टैलेंट पे काम कर रहे हो। क्योंकि टिकटॉक आपको वायरल तब करता है, आपको फेमस तब करता है जब आपकी एक्टिंग अच्छी होती है। और हमेशा इंसान एक बंद कमरे में एक अकेले रह के एक एक्ट को दिखा सकता है, लेकिन अगर उतना ही टैलेंटेड वो है तो उसी एक्ट को वो बाहर जाके दिखाए तो वो टैलेंट उसका कामयाब नज़र आ जाता है। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको अंदर वीडियो ना करके अब बाहर से करनी है, यानी कि आउटडोर वीडियो शूट करो। और आउटडोर वीडियो शूट करके मेरी गारंटी पर्सनल लिख के मेरे से आप ले सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल वायरल होगी आपकी वीडियो। और वायरल अगर नहीं भी होती है दोस्तों, तो फैंस इंक्रीज़ होंगे, आपके लाइक्स इंक्रीज़ होंगे, कमेंट्स आपके पास आने लग जाएंगे, क्योंकि मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बैठ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनडोर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं भी टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाता हूँ, तो अगर मैं इनडोर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी पता है कि इनडोर वीडियो में होता क्या है, लेकिन मैं वही वीडियो बाहर जब आउटडोर बना के लाता हूँ तो आउटडोर से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अकॉर्डिंग टू द इनडोर वीडियो। तो ऐसे ही आपको करना है, अब इनडोर वीडियो बनाना बंद करो, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है। हाँ, एक टाइम पर होता है जब आप मान लो जब आपके अच्छे खासे लाइक्स हो जाते हैं, आपके अच्छे खासे फैंस हो जाते हैं, फैंस अगर आपके 1-2 लाख हैं और 1-2 लाख में से अब आपके जो रीच करने वाले जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट आपके 1 लाख में से 10,000, 20,000 और ऑटोमेटिकली आपके लाइक्स आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या है, अगर आप इनडोर भी वीडियो बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा वो। लेकिन शुरुआत में अगर इनडोर वीडियो बनाओगे तो वो देखना बहुत कम पसंद करते हैं लोग। तो कोशिश करनी है कि कुछ क्रिएटिव करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप बाहर आउटडोर वीडियो बना रहे हो तो आउटडोर वीडियो बनाते समय एक चीज़ का बड़ा ही खास ध्यान रखना है, वो ये कि आपके टैलेंट का जो भी हिस्सा है वो एक पार्ट क्रिएटिविटी का होना चाहिए।
यानी कि जो पब्लिक कर रही है, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं टिकटॉक पर वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद उसको लाइक कर देते हैं इसलिए कि इसी कंटेंट को मुझे बनाना है, इसी म्यूज़िक पर मुझे भी बनाना है और इसके जैसा, तो उसको लाइक कर देते हैं। वो लाइक इसलिए करते हैं कि उसको अपना काम ख़त्म होने के बाद उसको अनलाइक कर दें, तो ऐसा भी करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको लाइक कर रहे हो, उस वीडियो को देख रहे हो, देखने के बाद आप भी सोच रहे हो कि मैं भी उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप यहाँ पर एक चीज़ खास ध्यान रखो जी, आपको बनाना बिल्कुल वैसे ही है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि सेम अगर आप उसी के जैसे बनाओगे तो लोग उसको देख चुके हैं ऑलमोस्ट, और जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों में से आप भी हो जो आपने भी उसको वीडियो देखा है, तो आप उसके जैसा ना बना के उससे कुछ अलग हटकर क्रिएटिव बनाओ, यानी कि कुछ अजूबा अलग नया करके बनाओ, तो दुनिया आपको भी देखने के लिए बैठी है जैसे कि उसको देखने के लिए बैठी है। कोई पर्टिकुलर उस पर व्यूज़ या पर्टिकुलर उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आया उस वीडियो पर, जैसे आप गए हो वैसे ही सब लोग आए, तो आपको भी कुछ अलग हटकर उससे बनानी पड़ेगी और ऐसे ही वीडियोज़ आपकी कामयाब होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी बन पाएगी और कैसी अच्छा रिस्पांस अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टिकटॉक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आती है मैं आपको देता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।